अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह सवेरे मैं उठी हूँ, 6:30 बज रहे और यहाँ बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और 5 बजे से बारिश शुरू हुई है और ये 6:30 बजे का टाइम है। और मेरा घर देखिए किस टाइप का लग रहा है इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम था तो मैं उठी गई। देखिए बारिश है बाहर, काफ़ी तेज़ बारिश है, काफ़ी तेज़। और ये 5 बजे से शुरू हुई बारिश और 8 बजे तक सुबह तक थी। देख काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। बारिश के लिए दुआ भी मांगनी चाहिए और ताकि मौसम सही रहे। अच्छा, तो ये कुछ बारिश के व्यूज़ मैं दिखा रही हूँ आपको कि आप लोग देखो, काफ़ी तेज़ बारिश है। बारिश अच्छी होती है गर्मियों में। तो ये अनार के दरख्त भी आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे घर पे, और ये मनी प्लांट है। देखिए काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है। और मेरी बिल्ली बाहर से आई है तो काफ़ी भीगी हुई थी, काफ़ी भीगी हुई थी। जब सर्दियाँ होती तब बारिश होती तो तब इंसान नहीं उठता है, क्योंकि वो सर्दियों का ही मौसम होता है। लेकिन गर्मी में फिर भी इंसान उठ जाता है, देखता है बारिश को कि बारिश कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चले ठीक है, ये तो मैंने सुबह का मंज़र आपको दिखाया। अभी रात का डिनर दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने तो डिनर नहीं किया, मैं अक्सर नहीं करती हूँ, तो ये आज हमारा दिल जा रहा था। यह तो माश का दाल है और अच्छा लगा होगा आपको, तो आइए खाइए हमारे साथ। और ये पकोड़े हैं और ये मिर्ची की पकोड़े हैं और वो आलू के, आना चाहते तो हमारे साथ खाइए, मोस्ट वेलकम। और ये रायता है, आना चाहते तो हमारे साथ खाइए। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैं अब निकाल रही हूँ माश की दाल। ये रात का टाइम है, 10 बज रहे। और ये है मिर्ची के पकोड़े और ये आलू के। और ये लेमन, लेमन अच्छा होता है इसके साथ, वैसे भी खाना चाहिए। अगर आपको ये डिनर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कभी कभी इस तरह का डिनर भी अच्छा लगता है। तो बस आपसे थोड़ा शेयर करना था ये डिनर और बारिश। और मैंने जो है ये मैंने अपने लिए गोलगप्पे बनाए, मैं गोलगप्पे खाती हूँ। कभी कभी मेरा दिल नहीं चाहता है डिनर को, मैं नहीं खाती हूँ अक्सर, तो मैं अपने लिए गोलगप्पे बना लेती हूँ, मैं ये खा लेती हूँ। या अगर जब इसका भी दिल नहीं चाहता तो ये भी नहीं खाती, लेकिन इस टाइम मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। गोलगप्पों में मैंने ये डाला है इसमें, या आप लोग भी ले तो बड़ा टेस्टी होगा, मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊँगी। और ये तैयार गोलगप्पे मिलते हैं 200 के। और ये आलू है,
शोले मैंने मुझे नहीं पसंद डालना, अगर हो तो डाल देती हूँ, नहीं हुआ तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दो चिल्ली जो सब भी आप इसमें डालना चाहते हो, मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। आप इसी तरह की चीज़ें लेकर बनाइए और खाइए तो आपको बड़ा अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो मैं अभी आपको बना रही हूँ। ये इमली का पानी है, बाहर के गोलगप्पों से अच्छा घर का अच्छा होता है, साफ़ सुथरा। ये देखो मैं आपको बनाने जा रही हूँ, सेम इसी तरह आप लोग भी बनाना और ये सब चीज़ें ले लेना। एक हाथ से बना रही हूँ वीडियो और एक हाथ से आप लोगों को, तो थोड़ा जैसा तकलीफ़ माफ़ कीजिएगा, समझने की कोशिश। में मैंने आलू डाल दिया, उससे पहले मैंने वो चिप्स डाले थे वो तैयार, उसका वो भी आप देख लेना। फिर आलू मैंने डाला, ये मैंने केचप डाला है रेड कलर का मैंने डाल दिया, वैसे कि रेड ग्रीन दोनों भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे अभी इस टाइम इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। और ये दही मैंने डाल दी इसमें, और अब मैं इसके बाद इमली का पानी डालूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।